अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप अपने फेसबुक अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं दोस्तों, तो जब भी दोस्तों आप अपने ब्राउज़र चेंज करते हैं या किसी न्यू डिवाइस से अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों के पास आ जाती है। तो कुछ दोस्तों के सिम गुम हो जाता है दोस्तों, या ऑथेंटिकेशन ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं दोस्तों, तो आगे से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है आईडी को लॉगिन करने में। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट डेली करता हूँ, अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले मैं एक अकाउंट को लॉगिन करूंगा, यहां से मैं ईमेल एड्रेस को कॉपी करूंगा दोस्तों। दोस्तों ये इस अकाउंट पे दोस्तों टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है, तो यहां से मैं ईमेल एड्रेस को कॉपी करूंगा और किसी न्यू ब्राउज़र से दोस्तों ये आईडी आप लोगों के सामने मैं लॉगिन करूंगा। तो यहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ईमेल पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, आपके पास कई सिम गुम हो जाते हैं दोस्तों, या रिकवरी कोड रिसीव नहीं होता, या आप ऑथेंटिकेशन ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो तीन वजह होती हैं दोस्तों जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है दोस्तों अकाउंट को लॉगिन करने में, अकाउंट को रिकवर करने में दोस्तों। तो आप लोग इसे भरसा हैविंग ट्रबल के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों। कैन यू गेट यूर कोड अप्रूव फ्रॉम अनदर डिवाइस, सही है दोस्तों, आई डू नॉट हैव माई फोन। तो अप्रूव फ्रॉम अनदर डिवाइस का मतलब है दोस्तों जिस वक्त आप अपने फेसबुक अकाउंट को बना रहे थे तो वो कौन सा आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे या ब्राउज़र यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ दोस्तों को तो याद नहीं होता दोस्तों कि हमने एप्लीकेशन यूज़ की थी या ब्राउज़र यूज़ किया था अकाउंट बनाते वक्त। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने, मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सिंपल सा दोस्तों आप लोगों को किसी भी ब्राउज़र किसी भी एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर कर देना है, जिस जो अकाउंट का फुल नेम है, तो यहाँ पर मैं अकाउंट का फुल नेम एंटर कर देता हूँ दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन कोड इशू, बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों आप अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। यहां पे आप लोगों ने दोस्तों मोबाइल नेटवर्क लिखना है जहां से आप लोगों को सिग्नल आ रहे हैं, तो मैं सिम जो यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वो है यूफोन का। तो आप भी अपने सिम जहाँ से आप लोगों को सिग्नल आ रहे हैं, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ कंट्री की भी दोस्तों सिम्स के नेम होंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आप कुछ ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फ़ोन नंबर पे है तो आप लोगों ने थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आप ऑथेंटिकेशन ऐप यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो मैं अदर का सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन ऐप को यूज़ करके दोस्तों टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन किया था, तो वो अब मेरे से गलती से अनइंस्टॉल हो गया, तो ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे ही मैंने अदर कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक छोटी सी अपील लिखनी है, यानी अपना इशू बताना है फेसबुक टीम को कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने अपने अकाउंट पे इनेबल किया और सिम गुम हो गया, या गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को हमने अनइंस्टॉल कर दिया है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों के पास लॉगिन कोड रिसीव नहीं होता और आपका फेसबुक अकाउंट लॉक्ड होता है, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट कैसे अनलॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो अपील लिखने के बाद दोस्तों आप लोगों ने सिंपल सा आई डी कार्ड सेलेक्ट कर देना है, आई डी कार्ड के ऊपर आपका नेम और आपका नेम मैच होना चाहिए दोस्तों, आपका नेम
ओनली नेम दोस्तों, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है सर, अपना आपका नेम मैच होना चाहिए। नीचे आप लोगों को सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, सिंपल सा आप लोगों ने इसको सेंड कर देना है। तो मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ सेंड। यहाँ पे थोड़ी सी होगी लोडिंग। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है फेसबुक टीम को। सही है दोस्तों। उसके बाद मैंने दोस्तों वेट किया दोस्तों, 15-20 मिनट बाद मुझे जीमेल पे एक कोड रिसीव हो गया दोस्तों। तो ये कोड आप देख सकते हैं, फेसबुक रिकवरी कोड। सही है दोस्तों। तो इसी रिकवरी कोड को मैंने एंटर किया अपने फेसबुक अकाउंट में और मैंने अपने फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कर दिया। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।